हेलो गाइज होप यू आल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू वन मोर लर्निंग वीडियो इन योर चैनल माई क्रप टूपेल ओके सो इन दिस सीरीज आई थॉट वाई नॉट हम लोग कुछ नया स्टार्ट करें सो एवरी वीडियो दैट वी वॉच विल फोकस ऑन थ्री थिंग्स बेसिकली ऑलवेज थ्री थिंग्स रिमेंबर सो द फर्स्ट थिंग दट वी नीड टू फोकस ऑन इज बेसिकली द ट्रेडिंग सेटअप रूल्स मतलब हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको एक सेटअप दूंगा या मान लो स्ट्रैटेजी दूंगा सेटअप स्ट्रैटेजी दोनों सेम होते हैं सो डोंट गेट कन्फ्यूज कैसे आपको एक ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए ठीक है तो एवरी वीडियो वट एवर लर्निंग वी डू हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे कि सेटअप एक आदमी को बनाना कैसे चाहिए ट्रेडर को बनाना कैसे चाहिए ओके सेकेंड थिंग दैट विल फोकस ऑन इज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका साइकोलॉजी वो सेटअप को एग्जीक्यूट करते वक्त कैसे होना चाहिए एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि हर एक वीडियो में अपने को एक लर्निंग चाहिए जैसे आपको पता है कि मेरा हर एक लर्निंग चार्ट पे ही होता है क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे बट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग एक 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 सब्जेक्ट कवर करेंगे जितना हो सके फ्री में इन्फो जितना मेरे को टाइम मिलता है एल ट्राई माई बेस्ट टू

ऑन चार्ट टूडेज की आपको डिमांड एरियाज मार्क कैसे करने ओके एक्साइटेड लैपटॉप निकाल दो नोट्स निकाल दो लेट्स बिगिन द वीडियो ओके गाइस वेलकम टू द चार्ट चलो चार्ट पे हम लोग चलते हैं ओके दीज आर सम कस्टम इंडिकेटर्स विच वी हैव मेड सो वी कैन इग्नोर देम फॉर नाउ इसको बंद कर देते हैं ओके okay, चलो अभी देखो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है ठीक है तो हमेशा मैं बिटकॉइन से स्टार्ट करता हूँ अभी हमारा बात आता है कि हम लोग को क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना है और कौन सा क्रिप्टो इसमें इन्वेस्ट करना है ओके बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज ह्यूज जैसे आप ये वाले वेबसाइट पे जा सकते हो कॉइन होपफुली आपको ऊपर मेरे टैब्स के वेबसाइट्स के नाम दिख रहे होंगे कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम तो जैसे ही आप ये वेबसाइट में जाओगे फ्रंट पेज में आपको बहुत सारे क्रिप्टो के नाम दिखेंगे ओके okay, तो इसमें आपको क्या करना है अगर अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आप जॉब करते हो या बिजी हो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से नहीं अगर आप ट्रेड करो इन्वेस्ट करो स्विंग ट्रेड करो इंट्राडे करो कुछ भी करो रिमेंबर की क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आपको सेफ वे में पोर्टफोलियो को ग्रो करना है जैसे अभी साइडवेज मार्केट है तो आप को पोर्टफोलियो को बचा के रखना चाहिए ताकि वो बाद में डिप्लॉय हो सके बाद में कुछ बचा होगा अगर अगर अभी सब ओवर ट्रेडिंग करके खत्म कर दोगे तो बाद में जब बुल्डन स्टार्ट होगा तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा ओके okay, सो so ये जो आप देख रहे हो नंबर वन इज़ बिटकॉइन फॉलोड बाय एथेरियम तो ऐसे करके हम लोग जब नीचे जाते हैं यहाँ पे देखो ट्वेंटी पे हमारा लियो है ओके okay, आपको यहीं तक सीमित रहना है लाइक यू शुड नेवर क्रॉस मोर देन टॉप ट्वेंटी क्रिप्टोज जो भी टॉप ट्वेंटी क्रिप्टोज हैं वो आपके वॉचलिस्ट में आने चाहिए तो आप देख सकते हो कस्टम वॉचलिस्ट आप ऐसे बना सकते हो ओके okay, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ये देखो क्रिप्टो के सारे वॉचलिस्ट हैं इधर आप ऐसे बना सकते हो एंड मैं क्या करता हूँ ना जो टो तो, टॉप ट्वेंटी क्रिप्टोज होते हैं उसमें से मैं बेस्ट क्रिप्टोज जिनके थोड़े बहुत एफेज फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रॉग है चार्ट पैटर्न उनका अच्छा है ठीक है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये सारे क्रिप्टोज़ में अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है अभी मतलब जब भी हमारे लेवल्स आएंगे मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए ठीक है तो ये हो गया वॉचलिस्ट सेटअप के बारे में अब मेको आप आप मेरा वॉचलिस्ट क्लियरली देख सकते हो तो आप जाके इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो मिड कैप्स के बारे में हम लोग और एक दिन बात करेंगे ये थोड़े से हाईर रिस्कीयर क्रिप्ट

कर लो जो भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो मैं नॉर्मली नॉर्मल कैंडल्स पे अलर्ट लगाना प्रेफर करता हूँ रिमेंबर ट्रेड आप हाईकेन पे कर सकते हो बट अलर्ट लगाने के लिए लेवल्स मार्क करने के लिए आपको नॉर्मल कैंडल्स यूज़ करोगे तो बेटर होगा क्योंकि ये रियलिस्टिक प्राइस एक्शन आपको बताते हैं आईकेन आपको डायरेक्शनल एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा है ओके होपफुली ये नॉलेज आपके माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर हो गया होगा तो प्लीज़ मेक नोट्स जो जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी फास्ट बोलूँगा बट आप नोट्स बनाते रहना ठीक है अभी देखो कि ये हमारा ये जो राइट साइड में आपको एक बार दिख रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं स्केल्स ठीक है जो भी नए लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानते नहीं हो ये स्केल्स पे जब आप राइट क्लिक करते हो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगरिथमिक लौग, करके तो मेरा हमेशा ना लॉग स्केल सिलेक्ट होता है रिमेंबर कि लॉग से अगर आप हटा देते हो इसको तो ये बन जाता है ना लीनियर तो देखो बिटकॉइन का चार्ट कुछ ऐसे दिख रहा है अभी आपको अगर आप इसको क्लिक करोगे तो लॉगरिथमिक में ये एक्सपोनेंशियल प्राइस एक्शन को थोड़ा सा बेटर दिखा सकता है इतना टेक्निकल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इतना याद रखो कि जो भी फॉलो करो चाहे ये क्लिक हो चाहे ना क्लिक हो ओके यू कैन स्विच दिस जस्ट बाई प्रेसिंग ऑल्ट एल अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हो आप देख सकते हो मैं बस ऑल्ट एल दबा के इसको चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना मैं नॉर्मली लॉगरिद्मिक प्रिफर करता हूँ आप लॉगरिद्मिक प्रिफर कर सकते हो आई किन में दोनों में से कोई एक आप प्रिफर कर सकते हो ठीक है जो भी आप जो भी इंडिकेटर फॉलो करते हो ना जो भी इंडिकेटर्स मैं लगाता हूँ इधर आप देखो कि लॉगरिथमिक और लीनियर्स में लेवल्स का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है ट्रेंड लाइंस का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है एंड क्योंकि आज हम लोग पैल चैनल्स के बारे में या प्राइस एक्शन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे इसलिए लॉगरिथमिक और लीनियर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो बेसिक प्राइस एक्शन का अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थियोरी की बात करें आपको करना कुछ नहीं है आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करने दो पॉइंट्स ठीक है दो पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है या फिर दो पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ठीक है अगर हम लोग प्राइस एक्शन चैनल एक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कि किस चैनल के अंदर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो अपने को या तो ये दो पॉइंट चाहिए या फिर ये दो पॉइंट चाहिए अगर मेरे पास

पहला यहाँ पे क्लिक करना दूसरा यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे क्लिक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड देन आप क्या करना थर्ड क्लिक जो है आपका जो तीसरा क्लिक है आप या तो यहाँ पे कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो जो आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप खुद देखो कि अगर आप एक बेसिक चैनल बनाते हो तो देखो कि प्राइस एक्शन का जो नॉलेज है आपके पास कितना ब्यूटीफुली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सपोर्ट का पॉइंट है मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे सपोर्ट लिया है वापस आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हो तो आपको दिख रहा है कि ये वाला चैनल जो है अगर प्राइस वापस यहाँ पे आया तो देर इज पॉसिबिलिटी कि प्राइस ऐसे मूव कर सकता है करेक्ट तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो ठीक है इसके साथ आपको अलाइन क्या करना है या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अलाइन कर दो या फिर आप इसके साथ क्या करो डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई कर दो जैसे ही आप डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो ना आपका आसान थोड़ा सा आपका ज़िंदगी ना थोड़ा सा बेटर हो जाता है अगर आपको डिमांड सप्लाई का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ये यह जो रेक्टेंगल का टूल है आप देख रहे हो आप यहाँ पे ना लास्ट लास्ट रेड कलर का कैंडल आइडेंटिफाई करो या लास्ट सेलिंग कैंडल आइडेंटिफाई करो उसको सिलेक्ट करके आप ना इस चीज़ को बढ़ा दो आप देखो कि ये सेम जगह पे जहाँ पे एक करेक्शन आई थी वो आपका डिमांड जोन है ठीक है इसको डेफिनेशन इसका लोगों का बोलने का तरीका अलग अलग है बट रिमेंबर कि जहाँ से बेसिकली जहाँ से बाइंग काफ़ी स्ट्रांग आई है आफ्टर ए सेल ऑफ़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ कुछ सेलर वहाँ पे एंटर किए लेकिन प्राइस इतना स्ट्रांग था ये देखो प्राइस रिजेक्ट हुआ मतलब लोग बेच रहे हैं लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा बायर्स आए कि मार्केट सीधा ऊपर चला गया तो क्या ये मेरा डिमांड जोन बन जाता है राइट right? आप देखो कि अगर इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होता तो मार्केट नेक्स्ट टाइम जब ये डिमांड जोन में आता यहाँ पे यहाँ पे आप दो बार ट्रेड ले सकते थे स्विंग ट्रेड जो मैंने लिया ये वाले ट्रेड्स ठीक है आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ पोटेंशियल इज ट्वेंटी एट परसेंट यहाँ से ऊपर तक मिड ऑफ द चैनल तक ग्रोथ पोटेंशियल वाज ऑलमोस्ट अराउंड टेन फिफ्टीन परसेंट ठीक है आप ट्रेड करो ना करो देखो कि ये बेसिक चीज़ों का अगर आपके पास नॉलेज हो ना तो आप ना बहुत कुछ कर सकते हो हम लोग क्या ना कभी कभी बहुत डीप चले जाते हैं जिसकी ज़रूरत है नहीं एंड जो बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड से वो हम मिस कर देते हैं ठीक है तो अगर सेटअप के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सेटअप में क्या होना चाहिए पहले चैनल हम हमको क्या बोल देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हमको बता दे रहा है देखो तीन पॉइंट से हमारे पास Point number one, point number two, and point number three. ठीक है आपको जब भी पैदल चैनल बना रहे हो रिमेंबर कि आपको मिडिल ऑफ द चैनल से रिएक्शन आना चाहिए प्राइस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो मिस हो रहा है तो फिर आपका चैनल कहीं ना कहीं गलत बना है जितना मैंने आपको सिंपली समझाया आज जो पांच एग्जाम्पल्स आप देखोगे उससे आपको पैदल चैनल बनाना क्लियर हो जाएगा उसके बाद बेसिकली आपको एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है जब भी प्राइस वो डिमांड जोन के पास आए आप वहां पे बाय कर लो ठीक है उसके बाद रेजिस्टेंस आपका बन गया ये और ये आप या तो यहाँ पे जैसे अभी मान लो कि प्राइस यहाँ पे ठीक है अगर प्राइस नीचे आता है ये डिमांड जोन से कोई रिएक्शन ही नहीं आती आपको एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत है जैसे देखो यहाँ पे एक बड़ा सा विक बना मतलब बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रॉग बाइंग कैंडल बने तो आप यहाँ पे इंटर कर लो हमेशा बॉटम में एंटर करने की तो ज़रूरत होता नहीं है ना अगर आप चाहते हो हम लोग और एडवांस जाएं तो मे बी मैं क्या कर सकता हूँ ना नेक्स्ट वीडियो अगर इनफ लाइक्स और कमेंट्स ये वीडियो में आए रिमेंबर कमेंट्स ज़रूरत है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कंटेंट एंगेजिंग लग रहा है या नहीं लग रहा अगर आप आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का थ्री 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 रूल जो मेरा ओन पर्सनल रूल है मैं आपको सिखाऊंगा ये खाली क्रिप्टो के लिए मैंने बनाया था जो मैं यूज़ करता हूँ अगर इनफ कमेंट्स और लाइक्स आए तो मैं ये थ्री 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 रोल नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो देखो नेक्स्ट लास्ट वेन एवर इट अप्रोचेस ए डिमांड जोन वेरियस मोड्स ऑफ कन्फर्मेशन है ऑसिलेशन इंडिकेटर्स हैं प्राइस एक्शन थियरीज है, है लाइक आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके कन्फर्म कर सकते हो कि प्राइस रिवर्सल हो रहा है कि नहीं जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में चैनल बनाए या पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मैं मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना सीखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन आ जाता है प्राइस के ऊपर जाने का ठीक है देता हूँ तो देखो कि चैनल थोड़ा बहुत चेंज हो गया राइट यू कैन सी हाउ इट इज चेंजिंग बस यही है ठीक है पहले चैनल डिमांड जोन आपको मार्क करना है जैसे ही प्राइस आपके डिमांड जोन के पास है लाइक बहुत अच्छा होगा अगर प्राइस यहां तक आ जाए ठीक है पास आस पास देखो ये वाला विक यहां तक आया ये वाला विक आया है अगर आप थ्री 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 रूल से पोजीशन साइजिंग मैनेज करना जानते हो तो आप ये सब ट्रेड्स के आराम से फायदा उठा सकते हो ठीक है सो कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड हम लोग क्या करते हैं बाकी क्रिप्टोज में देखते हैं कि कितना ईजिली हम लोग इसको फिगर आउट कर सकते हैं लाइक मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकता हूँ देखो कि ये डेली टाइम फ्रेम है मैं इसमें ये जो दो सपोर्ट है ना इसको भी मैं मार्क कर सकता हूँ सपोर्ट वन सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ये तीनों मैंने ज्वाइन किया एंड मैंने एक चैनल बना दिया ठीक है अब ये करो वो करो जैसे भी करो पैरेलल चैनल से मिड ऑफ द चैनल में रिएक्शन आनी चाहिए अभी देखो मैं चार घंटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूँ रिमेंबर कि डेली और चार घंटे में रहना हम लोग क्या करते हैं ना ये सेशन ब्रेक्स को ऑफ कर देते हैं यस yes. तो <clears throat> यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस अभी कहाँ पे यहाँ पे ठीक है अगर ये चैनल ब्रेक किया या यहाँ से सपोर्ट आई तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है ब्रेक किया तो नीचे तक आ सकता है अगर ये प्राइस किया अगर मेरा चैनल ब्रेक करके बॉटम ऑफ द तो चैनल से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड लेट्स गो हाई इन एशी ओके बॉटम ऑफ द चैनल से अगर मेरा प्राइस आके टच करके यहाँ पे डिमांड जोन वापस ये चैनल के अंदर आ रहा है एंड ये मिड ऑफ द चैनल क्रॉस करके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है दैट मीन्स मोस्ट लाइकली प्राइस इज गोइंग टू गो अप हियर ठीक है ऐसे आप ना प्राइस एक्शन बिहेवियर का प्लान बनाना मार्केट का प्रडिक्शन कोई कर नहीं सकता हम लोग खाली प्लान बना सकते हैं एज अ ट्रेडर ठीक है जो लोग आपको बोलते हैं कि मैं मार्केट का प्रडिक्शन कर सकता हूं वो लोग स्कैम कर रहे हैं आपके पास डोंट वरी हम लोग जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट वेज अ ट्रेडर कैन गेट स्कैम्ड के ऊपर बात करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो इसको उसको मिस मत करना डेफिनेटली देखना चलो अभी एथेरियम पे चलते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो कॉन्सेप्ट को बैक ऑफ द माइंड में आप लिख तो ट्रेडिंग रूल्स में क्योंकि लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे उसके बाद आपको चैनल्स बनाते जाना है ठीक है तो डेली टाइम फ्रेम में एथेरियम का चार्ट ही है थोड़ा सा जोम इन कर देते हैं अभी देखो ऊपर कोई क्लियर रेजिस्टेंस नीचे कोई क्लियर सपोर्ट मिल नहीं रहा फिर भी मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये दो एक चीज है जो बन सकती है ठीक है तो मैंने क्या किया ऊपर ये वाला ये जो दो रेजिस्टेंस थे उनको ज्वाइन किए नीचे मैंने क्या किया इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ पे ले आया हूँ ठीक है क्यों क्यों लाया हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को देखो कितना जस्ट डन दिस एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा जो मिड चैनल है वो कितना अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वेरी गुड सपोर्ट बिहेव कर रहा है तो अभी मान लो कि एथेरियम यहाँ पे वापस टच करता है आप इंटर डे में एक ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये देखो एक ईजिली मतलब सिग्नल देने से अच्छा है कि मैं आपको बताऊँ कि अच्छा एक बंदा ट्रेड कैसे कर सकता है ना यहाँ से यहाँ तक भी बारह परसेंट का ग्रोथ है आप आराम से ये वाला ट्रेड ले सकते हो आपको बस क्या करना है प्राइस जैसे यहाँ पे आ, आप क्या करो या तो आप ऐसे एक हॉरिजोंटल लाइन मार्क कर दो जिसपे आप अलर्ट लगा के रख सकते हो आई शो यू हाउ यहाँ पे आप ऐसे हॉरिजोंटल लाइन बना दिए यहाँ पे जाके आप एड अलर्ट इसको क्लिक करना यहाँ पे अलर्ट सेलेक्ट करके क्रिएट कर देना ये अलर्ट आपका बन के रह गया अगर आप देखोगे मैं इसको क्रिएट करके छोड़ देता हूँ ये लाइन पे एक अलर्ट सिम्बल आ जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो एक अलर्ट सिंबल आ गया है एंड आप अगर अलर्ट बॉक्सेस में जाके देखते हो यहाँ पे देखो अलर्ट है ठीक है तो आप क्या करना ऐसे बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हो एट योर डिस्पोजल हर तरह की चीज़ें आप कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है तो चलो एथेरियम में देखो हमने एक चैनल मार्क कर दिया अभी हमें क्या करना है प्राइस का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उस पर एक चैनल मार्क करना है ताकि हमें चैनल टू चैनल इंटरेक्शन मिले ठीक है टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा एडवांस करना है तो मैंने दो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करके फिर नीचे या तो ये सपोर्ट या फिर ये सपोर्ट ये बेटर है इस पर क्लिक कर दिया अभी देखो प्राइस एक चैनल में चल रहा है इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं आप जाके गाइज अपना टेम्पलेट वेम्पलेट खुद बना सकते हो दर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट ठीक है Uh, ये सब सिखाया मैंने ऑलरेडी फ्री कोर्स में अगर आपको नहीं आता ये सब करना तो आप जाके वो फ्री कोर्स देख सकते हो वापस आप इसको हाइकिनशी कैंडल भी कर सकते हो ओके सो ये देखो कैंडल में इट इज क्वाइट क्लियर कि प्राइस ये चैनल के अंदर है अभी देखो जब प्राइस आके ये मिडलाइन पर बैठेगा अपने को ये चैनल से कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है प्लस ये चैनल से कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है नाउ यू नो कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा सुप्रीम पॉइंट बन जाता है अच्छे ट्रेडिंग के लिए अगर मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट की बात करूँ यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है ठीक है काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी है तो हो सकता है कि ये प्राइस में एक डिमांड जोन की तरह काम करे तो मैं क्या करता हूँ ना नॉर्मल कैंडल्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल आपका बना था ये बाई डिफॉल्ट एक डिमांड जोन की तरह आपके लिए काम कर रहा है अभी ठीक है देखो कितना सिंपल है प्राइस एक्शन दो तीन चीज़ें सीखा है हमने अब अपने सामने देखो एक चार्ट पैटर्न रेडी है जिससे हम लोग चार्ट ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये हाई टाइम अब देखो वीकली में भी जाओगे तब भी देखो ये जोन बन रहा है बहुत अच्छा जोन बन रहा है ठीक है सो so, यू कैन ट्रेड लाइक दिस देखो एथेरियम में हमने मार्क कर दिया जब भी एथेरियम यहाँ पे आए बट अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है और थ्री थ्री रूल फॉलो करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा एक बाइंग डिमांड बनती है एथेरियम के लिए तो ये सब के लिए मार्क करके रखना अलर्ट लगा के रखना आपका काम है एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू प्रेस द ट्रिगर ठीक है अभी एथेरियम का हो गया लेट्स गो टू एक्सआर अभी थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में आपको मार्क कैसे करना है अगेन देखो मैं डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ ये एक सपोर्ट है मेरा ऊपर रेजिस्टेंस मेरे लिए क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूँगा नीचे एक सपोर्ट मार्क करूँगा सो फर्स्ट इज दिस सपोर्ट देन इज दिस सपोर्ट ओके एंड देन मैं ऊपर उठा के ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे इसको क्लिक कर दूंगा ठीक है कभी कभी आपका ना थोड़ा सा इसको ना एडजस्ट करना पड़ेगा लेट्स डू इट अगेन यार इसको न, थोड़ा सा आप वैसे जूम इन करके क्या करो देन इट विल भी क्वाइट ईजियर सो पॉइंट वन या पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री ओके अभी आप रिसर्च चार्ट करके इसको थोड़ा सा देखोगे तो देखोगे कितना अच्छा बिहेवियर मिल रहा है मिड मिड ऑफ द चैनल से या यू कैन सी एक्सआरपी वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम ऑलरेडी फिफ्थ टाइम ये चैनल से रिएक्शन ले चुका है आपको एक दो तीन पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके थे तो इसके आगे जो भी ट्रेड्स हैं आप आराम से एक्स आर पी में ले सकते थे ठीक है खाली इतना बना के आपको ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अफकोर्स इंडिकेटर से आपको एक बेटर हेल्प मिल जाता है जोन्स ऑटोमेटिकली मार्क हो जाते हैं बट गोल ये नहीं है कि गोल है कि आपको खुद का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है ठीक है अगर मैं एथेरियम का चार्ट थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देख सकते हो कि अपना जो ऑल टाइम डिमांड जोन है एथेरियम का दैट इज दिस ठीक है सो नेक्स्ट टाइम एथेरियम जब भी यहां पे आएगा इसमें अच्छा खासा डिमांड आने वाला है बट उसके पहले अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखोगे तो ये जो विक है ये काफी अच्छा बाइंग आया था यहां पे नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ये विक के आसपास भी आता है ना यहां पे समवेयर हियर लेट्स टेक इट समवेयर हियर ये वाला बहुत अच्छा डिमांड जोन बनने वाला है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला डिमांड जोन यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए लॉन्ग टर्म में ये वाला डिमांड जोन यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए ठीक है अगर आपको और एक्सटेंसिव वो चाहिए कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है एथेरियम का कितना लो तक जा सकता है तो आप ये बड़े वाले चैनल्स बना सकते हो देखो मैं आपके सामने ये सब बना रहा हूँ आप ये बड़े वाले चैनल्स बना के रख सकते हो अपने चार्ट में सेव करके ठीक है तो आप देखो कि एथेरियम का प्राइस यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आया तो ठीक है ये सब हम लोग थ्री 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 रूल वाले वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करेंगे अगर मेरे को इनफ लाइक्स आए तो मैं वो वाला टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आपको सिखाऊंगा ठीक है लेट्स मूव ऑन अभी एक्सआरपी का तो हो गया हमारा अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉइन है बी एन बी अगर हम लोग बी एन बी का चार्ट देखेंगे तो बी एन बी का चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है बहुत दिन से कंसॉलीडेशन हो रहा है कोई मूवमेंट नहीं आई है इस पर ठीक है तो सेम है बी एन बी का नीचे अपने पास काफ़ी सपोर्ट है बट बेटर है कि हम लोग ना बी एन बी का ये लंबा वाला चार्ट मार्क करें ताकि अपने को क्योंकि कंसॉलिडेशन से तो अपने को ज़्यादा मतलब है नहीं सो दिस एंड लेट मी जस्ट डीड दिस एंड डो इट अगेन तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा जूम आउट ओके सो so, ये दो पॉइंट्स हैं सो पॉइंट वन पॉइंट टू एंड एन पॉइंट थ्री ओके अभी देखो मैं ये दो चार्ट ज्वाइन करके बना रहा हूँ कितने दिन से इसी प्राइस चैनल के अंदर प्राइस है सो नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पर आता है आपको डिमांड जोन ढूंढना है अभी यहाँ पर डिमांड जोन ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी है जैसे आप देख सकते हो कि डिमांड जोन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है सी इ ठीक है तो इससे आपको पता चल रहा है कि बी एन बी थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है राइट तो अगर यहां पे मान लो आता है ऊपर जाता है सपोर्ट लेता है रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आके डिमांड जोन क्लिक करके चैनल के अंदर बैठ के ऊपर की तरफ जाता है ऐसे नहीं कि एक बार इसको टच किया तो यहाँ से यहां तक जाएगा रिमेंबर कि आपको लेवल टू लेवल जाना है अगर मेरा ये वाला जो लिक्विडिटी का लेवल यहाँ पे बना हुआ है जा भाई मेरे ये वाला जो लिक्विडिटी का लेवल यहाँ पे बना हुआ है अगर इसको प्राइस लेके जो हमारा एबीसी और सी और का नॉलेज है अगर यहाँ पे लेके ऊपर जाता है यहाँ पे रिजेक्शन होता है आपको कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक में दिख रहा है होते हुए तो ये वाला जो डिमांड जोन है थ्री 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 रूल में ये बहुत अच्छा बैठता है बड़ा वाला डिमांड जोन यहाँ से 580 तो अपने पास 600% परसेंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा यस yes. 480 500 परसेंट का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है फॉर बीएनबी ठीक है चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉइन यहाँ पे हम लोग लिंक को लेते हैं uh, मैटिज को भी ले सकते हैं बट हम लोग लिंक को लेते हैं बाकी आप खुद कर देना लिंक का मैंने एक ट्रेड लिया था इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ लिंक uh, का देखो ये वाला परमानेंट लिक्विडिटी का पॉइंट था जैसे ही मार्केट आया अभी जस्ट आया था जून ट्वेंटी थर्ड में जैसे ये लिक्विडिटी लिया आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होके कैसे प्राइस ऊपर जा रही है थोड़ा सा जूम इन करते हैं आप देख सकते हो क्लियरली प्राइस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है दिस वॉज ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट ट्रेड ठीक है मैं तो इतना ऊपर तक वेट नहीं किया बट या दिस वाज ऑलमोस्ट सिक्सटी सिक्सटी परसेंट रेट ठीक है सो so लिंक अभी एक जोन में है अभी अगर आपको शॉर्ट लेना है लिंक पे सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी फॉर यू टू वेट फॉर दिस पैरेलल चैनल ठीक है जैसे ये पैरेलल चैनल अभी देखो मिड ऑफ द चैनल से रिएक्शन या फिर फेलियर हो सकता है या तो ऐसे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है ठीक है यहाँ पे आप एक शॉट ले सकते हो टिल द मिड ऑफ़ द चैनल अगर ये ब्रेक होता है बॉटम ऑफ़ द चैनल में वापस आपको क्या करना है डिमांड ढूंढना है रिमेंबर डिमांड ढूंढना है बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड ढूंढना लिंक का डिमांड थोड़ा सा नीचे है एज़ यू कैन सी यहाँ पे समवेयर तो जाहिर सी बात है कि इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद अगर ये लेवल लूज होता है तो लिंक काफ़ी फास्ट नीचे जा सकता है एंड ये सारे एरियाज़ को टैप कर सकता है ठीक है यू कैन सी दिस एरिया एंड दिस एरिया तीन डॉलर साढ़े तीन डॉलर के आसपास बट लगता नहीं है इतना कंसोलिडेशन के पास जाना चाहिए बट मे बी एक का है और जल्दी रिकवर हो जाए एक पॉसिबिलिटी है बट नो डाउट ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है जो आपके चार्ट मार्क्ड होना चाहिए ठीक है तो इसको आप मार्क करके रखो एंड इसके ऊपर वाला डिमांड जोन ऑफकोर्स आप भूलना मत ये थोड़ा सा छोटा डिमांड जोन है बट काफी लॉन्ग टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना है इसको ठीक है शॉर्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सबसे बड़ा सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है जो पैरल चैनल के जस्ट पास है तो आप बिंदास वहाँ पे एक शॉट ले सकते हो ऑफ कोर्स अगर आप एक मिनट पे ट्रेड करते हो तो आप हमारा माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक वाला स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो जो भी मेंबर्स देख रहे हैं उनके लिए है उनको पता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड कैसे लेना है नेक्स्ट गोइंग टू मैटिच आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कॉइन है मेरे रेडार में बहुत दिन से है यू कैन सी कि ये जो मिड चैनल मैंने ड्रॉ किया है बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है लास्ट टाइम यू कैन सी वेन मार्केट केम टू दिस मिड चैनल इसको थोड़ा सा जो इन करते हैं आप देखो कि दिस वाज सपोर्टेड बाय डिमांड जोन इसलिए कितना इजी ट्रेड आप देख रहे हो कितना इजी ट्रेड यहाँ पे बन जा रहा है क्योंकि ये डिमांड जोन था इसलिए प्राइस देखो एक वीक छोड़ के गया है यहाँ पे इसके नीचे भी नहीं जा पाया प्राइस या इसको ना या प्राइस इसके नीचे भी नहीं जाके क्लोजिंग दे पाया यहीं से ऊपर चला गया एंड यू कैन सी द सेम स्ट्रक्चर जो आपने अभी लिंक पे देखा सेम स्ट्रक्चर एलियड वेव का वन टू थ्री फोर फाइव वाला आप क्लियरली देख सकते हो अभी एक एबीसी वाला पैटर्न चल रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है अगर करेक्शन होता है तो मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा वापस यहाँ पे सपोर्ट लेगा क्या हमारे पास एक डिमांड जोन है यहाँ पे येस हमारे पास एक डिमांड जोन है ठीक है तो आप इन सबको को रिलेट कर सकते हो रिमेंबर कि मार्केट ये बॉटम ऑफ द चैनल टेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा अगर ये चैनल के बॉटम तक आ गया गलती से कभी भी क्रिप्टो क्रैश होता है तो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू बाई मैटेज एट दिस लेवल क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेवल होने वाला है आपका जो चार्ट का पी है वो प्रॉब्बली यहीं पर ही होगा माइक्रो पी ओ सी जो है चार्ट का हाँ आप देख सकते हो चार्ट का माइक्रो पी सी भी समवेयर इज हेयर ओली तो uh, यहाँ पे थोड़ा सा लो वॉल्यूम दिख रहा है हमें सो so, ऑफकोर्स प्राइस एक वीक छोड़ के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है ओके okay, सो so, चलो एनी anyway, ये हमारा हो गया डिमांड सप्लाई के बारे में आज हमने थोड़ा बहुत बात किया ओके okay, पैल चैनल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात किया क्रिप्टो कैसे आपको सेलेक्ट करने मैंने बोला आपको आपको एक थम रूल हमेशा पकड़ के चलना है कि बीस क्रिप्टो से ज़्यादा आपको ना देखना है ना करना है ठीक है ऑफ कोर्स अगर आप आ, इसके बाद आपको दिक्कत हो रहा है तो इंट्राडे के लिए आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप प्राइस एक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो डोंट वरी इन द फ्यूचर हम लोग ये इंडिकेटर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें सेशन का प्रोफाइल है जिसमें बाई सेल इंडिकेटर्स हैं जिसमें ऑटोमेटिक सप्लाई डिमांड है बट अगर आपको इंडिकेटर्स के सारे ट्रेड नहीं करना तो आप जाके मेरे चैनल पर अभी दो कोर्स आ गए एक हमारा एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है दूसरा दफ्र प्रोफेशनल ट्रेडर गाइड कोर्स है इसको आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करना अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग गोल्ड ट्रेडिंग ऑयल ट्रेडिंग इनमें सक्सेसफुल बनना है ये वाला करिकुलम में सब इंक्लूडेड है इन डिटेल्स ठीक है ऑलमोस्ट आपके पास इसमें फोटी सिक्स आवर्स का वॉच टाइम आता है एंड एपिसोड्स का जो लेआउट है ये ख़त्म ही नहीं होता इतने ज़्यादा इसमें कोर्स हैं कि आप आराम से पूरा मार्केट कवर कर सकते हो ठीक है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ये वाला कोर्स का जो करिकुलम है वो चेकआउट कर सकते हो रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स यू कैन फाइंड आउट देयर इससे बेटर कोर्स मिलेगा नहीं ये मैंने मेंबर्स के साथ लाइव कोर्स किया था जो भी मेरे फर्स्ट कोर्स को बाय किए थे उनको एक्सेस मिला था ये कोर्स मेरे साथ लाइव करने के लिए एंड क्यू ए पूछने के लिए ये सारे इसके करिकुलम uh, है यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एमसीपी कोर्सेज डॉट कॉम ऊपर है कैन चेक इट आउट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप ए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय